ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी, वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील बेटा, सुनील कहाँ है? अरे जरा एक ग्लास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है, यहाँ बैठना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था, वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देख कर सोचता है कि शादी ही कर ले, कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा। तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ, घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है, ना बैंड ना बाजा ना दहेज ना शगुन, ऐसा कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी मैं आपका ख्याल रखूंगी, वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है, कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है, मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया, कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई। माँ क्या हो गया, सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका, आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाई करवाओ। खैर सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री, बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हमी में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया, कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी ये क्या बात हो गई, क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज्यादा होता है, अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग अलाप रहा है। देखा उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है, सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके, तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी, कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खाकर गई होगी, छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा, बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा कहाँ जाओगी ये भी बता दो, पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था, बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है, बहू ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो, वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो, अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है, जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है, फिलहाल तो सो जाती है लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है, और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया,
वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ, गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग! छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है, वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहा किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटी के साथ रहे, भला मैं क्यों करूंगी। मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता, ये दाग कैसे लगा, तुम कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है, आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं, वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं, हम क्या जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं। देखिए क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना। सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है, पास लेती, दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था, कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ कैसे जल गई तुम? ओए काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ कितनी समझदार है ममता, ये चाहती तो। हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूंगी, बहू के साथ मिलकर रहूंगी, मुझे माफ कर दे।